आज का पहला वर्ड है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में बोलेंगे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वी हैव इतिहास, इतिहास को इंग्लिश में बोलेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए हिस्ट्री आपको कैसा लगता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है समाजशास्त्र, समाजशास्त्र को इंग्लिश में बोलेंगे सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी को हिंदी में समाजशास्त्र बोलेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में बोलेंगे फिलॉसफी, फिलॉसफी। और फिलॉसफी को हिंदी में बोलेंगे दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान को इंग्लिश में बोलेंगे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र को इंग्लिश में बोलेंगे सिविक्स, सिविक्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट है विज्ञान, विज्ञान को इंग्लिश में बोलेंगे साइंस, साइंस। नेक्स्ट सब्जेक्ट है भौतिकी, भौतिकी ऐसे भौतिकी विज्ञान भी बोलते हैं हिंदी में, तो भौतिकी को इंग्लिश में बोलेंगे फिजिक्स, फिजिक्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट है रसायन शास्त्र, या हिंदी में इसको रसायन विज्ञान भी बोला जाता है, तो रसायन शास्त्र को इंग्लिश में बोलेंगे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को इंग्लिश में बोलेंगे बायोलॉजी, बायोलॉजी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है भूगोल, भूगोल को इंग्लिश में बोलेंगे जियोग्राफी, जियोग्राफी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है राजनीति शास्त्र, या इसको हिंदी में राजनीति विज्ञान भी बोलते हैं, तो राजनीति शास्त्र को इंग्लिश में बोलेंगे पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान को इंग्लिश में बोलेंगे जूलॉजी, जूलॉजी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान, वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बोलेंगे बॉटनी, बॉटनी। नेक्स्ट वी हैव भूविज्ञान, भूविज्ञान को इंग्लिश में बोलेंगे जियोलॉजी, जियोलॉजी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान का मतलब है छोटे छोटे जीव के बारे में स्टडी करना, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान इस सब्जेक्ट को इंग्लिश में बोलेंगे माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मानव विज्ञान, मानव विज्ञान को इंग्लिश में बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट वी हैव पुरातत्व विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान को इंग्लिश में बोलेंगे आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट वी हैव सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान को इंग्लिश में बोलेंगे जनरल साइंस, जनरल साइंस। नेक्स्ट सब्जेक्ट है तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र को इंग्लिश में बोलेंगे रीजनिंग, रीजनिंग। नेक्स्ट सब्जेक्ट है गणित, गणित को इंग्लिश में बोलेंगे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। और आप इस सब्जेक्ट को शॉर्ट में मैथ्स भी बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए आपको ये सब्जेक्ट कैसा लगता है। नेक्स्ट वी हैव ग्रह विज्ञान, ग्रह विज्ञान को इंग्लिश में बोलेंगे होम साइंस, होम साइंस। नेक्स्ट वी हैव व्याकरण, व्याकरण को इंग्लिश में बोलेंगे ग्रामर, ग्रामर, जैसे हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण। नेक्स्ट वी हैव साहित्य, साहित्य को इंग्लिश में बोलेंगे लिटरेचर, लिटरेचर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट है वाणिज्य, वाणिज्य को इंग्लिश में बोलेंगे कॉमर्स, कॉमर्स। नेक्स्ट वी हैव लेखा शास्त्र, लेखा शास्त्र को इंग्लिश में बोलेंगे अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी। नेक्स्ट वी हैव ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट वी हैव खगोल विज्ञान या खगोल शास्त्र भी बोलते हैं इसको हिंदी में, तो खगोल विज्ञान या खगोल शास्त्र को इंग्लिश में बोलेंगे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। एंड द लास्ट वन इज वास्तुकला शास्त्र, वास्तुकला शास्त्र को इंग्लिश में बोलेंगे आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर।
ये दोनों आज के क्विज है, लिख के बताइए हमें कमेंट सेक्शन में इसके आंसर। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।